नमस्कार, आपके साथ मैं हूं प्रीति श्रीवास्तव। स्वागत है आपका बात मुद्दे की में। आज चर्चा होगी नए संसद भवन के बारे में। आखिर क्यों संसद को लेकर सियासत तेज है? कितने लोग बैठ सकते हैं नए संसद भवन में? क्या अंतर है पुराने और नए संसद भवन में? आज का मुद्दा यही है, सियासी संसद। बात इसी पर होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 मई 2023 को नवनिर्मित संसद भवन राष्ट्र को समर्पित करेंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की थी। उन्होंने पीएम को नए संसद भवन के उद्घाटन के लिए आमंत्रित किया था। लोकसभा सचिवालय के मुताबिक नए संसद भवन का निर्माण अब पूरा हो गया है। नया भवन आत्मनिर्भर भारत की भावना का प्रतीक है। जानकारी के मुताबिक 4 मंजिला नए संसद भवन में मंत्रियों और पार्टियों का ही नहीं, सांसदों का भी अपना कमरा होगा। पुराने संसद के मुताबिक इसमें सब कुछ बदला नजर आएगा। संसद से जुड़े मार्शल और कर्मचारी राष्ट्रीय फैशन NIFT के डिजाइन की हुई वेशभूषा में नजर आएंगे। आपको बता दें, लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों ने 5 अगस्त 2019 को सरकार के संसद के नए भवन के निर्माण के लिए आग्रह किया था। इसके बाद 10 दिसंबर 2020 को प्रधानमंत्री मोदी ने संसद के नए भवन का शिलान्यास किया था। संसद के नवनिर्मित भवन को गुणवत्ता के साथ रिकॉर्ड समय में तैयार किया गया है। अब संसद का नवनिर्मित भवन जहां एक और भारत की गौरवशाली लोकतांत्रिक परंपराओं और संवैधानिक मूल्य को और अधिक समृद्ध करने का कार्य करेगा, वहीं अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त इस भवन में सदस्यों को अपने कार्यों को और बेहतर तरीके से करने का मौका मिलेगा और परफॉर्म करने में भी सहायता मिलेगी। आइए अब जानते हैं इस भवन में दोनों सभाओं में कितने लोग बैठ सकेंगे इसके बारे में। संसद के वर्तमान भवन में लोकसभा में 550 जबकि राज्यसभा में 250 सदस्यों की बैठक की व्यवस्था है। भविष्य की आवश्यकताओं को देखते हुए संसद के नवनिर्मित भवन में लोकसभा में 888 जबकि राज्यसभा में 384 सदस्यों की बैठक की व्यवस्था की गई है। दोनों सदनों का संयुक्त सत्र लोकसभा चैंबर में ही आयोजित होगा। आपको बता दें, नए संसद भवन में सेंट्रल हॉल नहीं होगा, इसकी जगह कमेटी हॉल होगा। इसमें विशेष तौर पर बेहद खूबसूरत संविधान कक्ष बनाया गया है। इसके अतिरिक्त लॉन्च, पुस्तकालय, कैंटीन की सुविधा उपलब्ध होगी। NIFT के डिजाइन किए यूनिफॉर्म में नजर आएंगे मार्शल। इतना ही नहीं, भविष्य में संसद के दोनों सदनों में सांसदों की संख्या बढ़ाने की संभावना का नया संसद भवन के निर्माण में ख्याल रखा गया है। इसमें 1224 सांसदों के बैठने की व्यवस्था है, जिसमें लोकसभा में 888 और राज्यसभा में 384 सांसद बैठेंगे। दरअसल साल 1971 के बाद से लोकसभा और राज्यसभा में सांसदों की संख्या नहीं बढ़ाई गई है। कई बार 33% संख्या बढ़ाने पर विचार हुआ। वर्तमान में 25 लाख की आबादी पर एक सांसद है, जो दुनिया में सबसे ज्यादा है। इसे पुराने संसद भवन से 17,000 वर्ग मीटर बड़ा बनाया गया है। आपको बता दें, संसद को लेकर सियासी बवाल भी मचा हुआ है। कांग्रेस ने कहा कि नवनिर्मित संसद भवन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा वाली परियोजना है। साथ ही सवाल किया कि ऐसी इमारत की जरूरत ही क्या है जब विपक्ष के माइक बंद कर दिए गए हैं। विपक्षी दल ने भी ये कहा कि संसद भवन सिर्फ इमारत नहीं है बल्कि बेजुबानों की जुबान है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव जयराम रमेश ने नए संसद भवन में चल रहे कार्यों की समीक्षा करते हुए प्रधानमंत्री की एक तस्वीर साझा करते हुए ट्वीट किया कि 28 मई को उद्घाटन किए जाने वाले नए संसद भवन के एकमात्र वास्तुकार, डिजाइनर और श्रमिक तस्वीर सब कुछ बयां करती है, व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा वाली परियोजना। इतना ही नहीं, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा, नए संसद भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति जी को करना चाहिए, ना कि प्रधानमंत्री को। खैर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 मई 2023 को नवनिर्मित संसद भवन राष्ट्र को समर्पित करेंगे। आज का मुद्दा यहीं खत्म करते हैं। देखते रहिए बात मुद्दे की सिर्फ N27 न्यूज पर।
आप देख रहे हैं N27 न्यूज़, पकड़ हर खबर पर।